assalamu alaikum students i hope you all are fine and great so students in this video uh, we will discuss exercise 2d and question number 1 and other questions so in last video we discussed exercise exercise 2c question number uh, 6 7 and all other questions in last video so let's get started our new video so unit number 2 एक्सरसाइज टू डी क्वेश्चन नंबर वन सो वॉट इज क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन शो देट नाइन टू सिक्स वन इज अ परफेक्ट क्यूब क्वेश्चन नंबर वन में शो करना है नाइन सिक्स वन जो है नाइन सिक्स नाइन देखिए नाइन टू सिक्स वन क्योंकि परफेक्ट क्यूब है अब आपने बोला होगा कि हमने परफेक्ट स्क्वायर तो सुना है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं सुना जी हाँ दोस्तों जो स्क्वायर होता है वो इस तरीके से लिखा होता है और जो क्यूब होता है वो इस तरीके से लिखा होता है यानी कि टू और थ्री है लेकिन जब आप कोई डिजिट लिखते हैं इसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर और इसमें यहाँ पे क्या लगा यानी कि इसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है क्यूब ऊपर जो थ्री लगा हुआ वो क्यूब है और जो इधर टू लगा ऊपर वो स्क्वायर है तो इस वीडियो में हमें परफेक्ट क्यूब यानी कि परफेक्ट क्यूब जो है उसको हमने फाइंड करना है ठीक है दोस्तों परफेक्ट क्यूब को फाइंड करने का प्रोसेस यानी कि यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकाल के इसको फाइंड करने का एक इजी मेथड है यहाँ पे हमने इसके मेथड यानी कि लास्ट डिजिट देखना है लास्ट डिजिट किस में लास्ट डिजिट जो है ओट नंबर है तो यहाँ पे टू से तो होगा नहीं थ्री से होगा थ्री 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 या नाइन ट्वेंटी सिक्स हो रहा है तो ट्वेंटी सिक्स दो नंबर को लेंगे तो ट्वेंटी सिक्स थ्री के टेबल में आता है कि नहीं तो ट्वेंटी सिक्स नहीं आता तो सबसे ट्वेंटी सिक्स नहीं आता डायरेक्ट यानी कि ट्वेंटी सिक्स आता है यानी कि यहाँ यान पे सबसे पहले हमें जीरो लिखना है क्योंकि दो डिजिट ले रहे हैं तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है ट्वेंटी सिक्स आता है नहीं जी हाँ दोस्तों नहीं ट्वेंटी सेवन आता है ट्वेंटी सिक्स नहीं आता तो यहाँ पे हमने एट से क्या लिख लेना है ट्वेंटी सेवन नाइन से आता है तो हमने यहाँ पे ट्वेंटी फोर एट का लगा लिया और यहाँ पे जो इसका टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन क्या आता है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन जी दोस्तों ट्वेंटी वन आता है सेवन तो ट्वेंटी वन यहाँ पे हमने लिख लिया तो अभी ये थ्री से हो रहा है थ्री वन सा थ्री यानी कि जीरो का जीरो उतार दिया और 87 सेवन अब 87 सेवन किससे होगा एट्टी सेवन थ्री टेबल में आता है जी हाँ दोस्तों एटी सेवन को भी हम लिख सकते हैं जी हाँ दोस्तों एटी सेवन यानी कि सबसे पहले हमें कौन सा प्रोसेस लिखना हो सबसे पहले हमें थ्री डी में थ्री टू था सिक्स और यहाँ पे जो इसका दो बज जाएगा ट्वेंटी सेवन नाइन यहाँ पे तो यहाँ पे ये यह आंसर आएगा अब ये भी किस होगा ये भी होगा जी हाँ दोस्तों थ्री से ही होगा ये भी थ्री से होगा थ्री के टेबल में थ्री थी जो नाइन वन ट्वेल्व जाएगा ट्वेल्व इलेवन ट्वेल्व नहीं आता यानी कि ट्वेल्व आता है किससे आता है फोर दॉरी ट्वेल्व आता है फोर सा तो यहाँ पे अब हमने फोर कर लिया नाइन आता है थ्री सा अब ये थ्री से नहीं होगा अब फोर से भी नहीं फाइव से भी नहीं होगा सिक्स से भी नहीं क्यों सिक्स और नहीं इवन तो सेवन से करके देख लेते हैं सेवन टेल्थ में थ्री फोर थ्री नहीं आता यानी कि ये किस से आता है डायरेक्ट हम आपको हिंट दे देते हैं यानी कि फोर तो यहाँ पे जी थर्टी फोर से फोर और नाइन ये फोटी नाइन सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन सेवन वन जो सेवन तो यहाँ पे क्या होगा ये हो जाएगा इसके अब हमने फैक्टर परफेक्ट क्यूब में निकाल लेने ये और ये फैक्टर बन गए तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है यहाँ पे हमने क्या करना है यहाँ पे नाइन टू सिक्स वन और यहाँ पे परफेक्ट क्यूब रूट में लग गया थ्री मन थ्री मल्टीप्ला थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लास सेवन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्ला सेवन तो यहाँ पे हमने इसका क्यूब इसका क्यूब थ्री मल्टीप्लास सेवन इसी कॉस्टू क्या होगा ये आपने बताना है थ्री मल्टीप्लास सेवन यहाँ पे होगा ट्वेंटी वन सेवन से ट्वेंटी वन आता है तो इसका आंसर ही वन तो ट्वेंटी वन क्या है एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि अगर ट्वेंटी टू होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता यहाँ पे लास्ट में ओट नंबर है तो ये क्या होगा परफेक्ट क्यूब यानी कि हो जाएगा तो इस पोर्शन पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन यानी कि डन कर लिया अब हम यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर टू तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या है उसको भी हम देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द क्यूब ऑफ क्यूब्स फाइंड करने हमें यहाँ पे तो क्यूब यहाँ पे सबसे पहले हमें किसका दिया गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो 43 का भी इजी है और यहाँ पे हम जो है करके देख लेते हैं यानी कि सी सी यहाँ पे फोर अपॉन नाइन है तो हम उसका यहाँ पे करके देख लेते हैं फोर यानी कि ए यहाँ सी हो गया फोर अपॉन नाइन तो सॉल्व यहाँ पे कर लेंगे क्यूब पर मतलब कहते हैं यानी कि थ्री टाइप मल्टीप्लाई 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 एंड मल्टीप्लाई इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे फोर फोर सिक्सटीन 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 जो है सिक्सटी मल्टीप्लाई फोर सिक्सटी फोर तो यहाँ पे सिक्सटी फोर हो जाएगा नाइन मल्टीप्लाई नाइन एटी वन और एटी वन यहाँ पर आ जाएगा एटी वन मल्टीप्लाई इसको तो यहाँ पे सेवन टू नाइन हो जाएगा तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा सिक्सटी फोर अपॉन सेवन टू नाइन तो इसका आंसर क्या होगा सिक्सटी फोर अपॉन सेवन टू नाइन इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा परफेक्ट क्यूब है क्यूब मतलब यानी कि थ्री टाइम्स थ्री टाइम आपने इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं एक जानेंगे जो है डेसिमल का तो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो का भी करके देख लेते हैं डी यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन यहाँ पे करके कर देख कर लेते हैं सोल्यूशन यहाँ er पे इसका जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट जीरो वन यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है जो इसका आंसर यानी कि आएगा वो हमने यहाँ पे लिख देना है यानी कि अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जीरो पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट जीरो वन यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई वन वन सा वन वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो और वन यानी कि जीरो वन और वन यहाँ पे ज़ीरो जीरो 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 और यहाँ पे जो है इसका प्लस का साइन लग जाएगा वन और यानी कि वन यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद जीरो ज़ीरो जीरो 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 और यहाँ पे पॉइंट यानी कि जीरो पॉइंट इसी इसी तरीके से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते जाना क्या होगा जीरो जीरो ज़ीरो जीरो और पॉइंट जीरो वन अब यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करने लाए वन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन वन सा वन और जीरो 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 ज़ीरो और जीरो यानी कितने जीरो हैं चार जीरो और पाँच यानी कि यहाँ पे तीनों चार पाँच और एक जीरो यहाँ पे जीरो से जो भी चीज़ होगी जीरो 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 ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो जीरो जीरो ज़ीरो जीरो और ज़ीरो तो यहाँ पर हमने इसको कर लेना प्लस वन ज़ीरो 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 एंड जीरो एंड जीरो यहाँ पे कितने जीरो थ्री थ्री सिक्स और सेवन एट तो यहाँ पे यानी कि कितने थ्री थ्री सिक्स तो यहाँ पे थ्री थ्री सिक्स थ्री थ्री सिक्स तो यहाँ पे एट जीरो आ रहे हैं तो यहाँ पे इसका आंसर पॉइंट में इसके यहाँ पे दो यानी कि लगा लेंगे तो पॉइंट्स में यहाँ पे इसका आंसर क्या लगेगा यानी कि यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट तो यहाँ पे इसका आंसर दो लगेगा ज़ीरो पॉइंट यानी यहाँ पे जो इसका है इसका आंसर जीरो पॉइंट तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो 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 एंड जीरो एंड वाइन तो ये दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर तो अब यानी कि क्यूब का जो मतलब होता है वो क्या होता है थ्री टाइम थ्री टाइम और यहाँ पे भी हमने थ्री टाइम तो दोस्तों क्यूब यानी कि आपको समझ आ गया होगा स्क्वायर और क्यूब का मतलब एक तो स्क्वायर ये होता है और एक क्यूब यानी कि आप जो थ्री साइड वाला बना लो क्यूब ये तो ट्राइंगल यानी कि स्क्वायर और क्यूब स्क्वायर टू और थ्री क्यूब यानी कि छोटे छोटे जो नंबर यहाँ पे टू लिखा हुआ है उसके भी जो थ्री लगा हुआ है यहाँ पे फाइव लिखा है इसके ऊपर यहाँ पर टू लगा है इस तरीके से आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी इन हम एक्सरसाइज टू डी का क्वेश्चन नंबर थ्री और मजीद क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम न्यू चैप्टर की जाने पढ़ेंगे तो तब तक तो के लिए हाफि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो